हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हुरम और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग किचन गैजेट्स जो आपके किचन के लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं और आप इन्हें 99 रुपीज़ से लेकर 1000 तक परचेज कर सकते हैं। सो गाइस, मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कप बॉटल क्लीनिंग ब्रश। गाइस, हमारे किचन में कई ग्लास या बॉटल ऐसी होती हैं जिनमें हमारा हाथ नहीं पहुंचता और वो अच्छे से क्लीन नहीं हो पाती। ऐसे में आप इस ब्रश का यूज कर सकते हैं। इससे आपको सिंक में लगाना होगा, जिसके बाद आप ग्लास बॉटल को आसानी से वॉश कर सकते हैं। इसमें सक्शन कैप लगी हुई है, जिसे काम हो जाने के बाद आप रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्पेबल कप। ये एक ऐसा कप है जिसका यूज़ करने के बाद आप इसे फोल्ड कर सकते हैं और ये फोल्ड होने के बाद इतना छोटा हो जाता है कि आप इसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। साथ ही ट्रेवल के लिए इस तरह का गैजेट काफ़ी यूज़फुल होता है। आप इसमें कॉफ़ी टी इजीली पी सकते हैं। तो अगर आपको ये कप पसंद आया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट गैजेट इज़ USB ब्लेंडर। तो व्यूवर्स, एक पोर्टेबल रिचार्जेबल मिक्सर ब्लेंडर है जिसकी मदद से आप फ्रूट्स जूस बना सकते हैं। इसमें आपको फ्रूट्स के छोटे छोटे पीस को कट करके डालना होगा और थोड़ा पानी डाल के पावर बटन को ऑन करके आप जूस बना सकते हैं। आप इसे USB पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं और इसका साइज वाटर बोतल की तरह होता है, जिसे आप ट्रैवल करते वक्त आसानी से अपने साथ कैरी कर सकते हैं। आप इसे दिए गए लिंक से 500 में परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैश पोटैटो राइसर। ये बहुत ही कमाल का गैजेट है, जिससे आप बहुत आसानी से पोटैटोज को मैश कर सकते हैं। आपको इसमें बॉयल किए हुए पोटैटो को डालना होगा और इसके हैंडल को प्रेस करना होगा, जिससे आपके पोटैटो मैश के होके नीचे की साइड से आ जाएंगे। आप इसमें हर तरह के बॉयल चीज को मैश कर सकते हैं। उसके बाद है सिट्रस स्प्रे। गाइस, ये कमाल का छोटा सा गैजेट है जिसकी हेल्प से आप लेमन को स्प्रे बोतल में कर सकते हैं। आपको लेमन को दबाकर सॉफ्ट करना होगा, इसके बाद आपको ऊपर से कट करके स्प्रे को लेमन के अंदर फिक्स कर देना होगा, जिसके बाद आप लेमन को स्प्रे में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसे 150 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव्स। इन ग्लव्स को बर्तनों को वॉश करने के लिए बनाया गया है। इन्हें सिंपली आप हाथों में पहनकर बर्तनों को आसानी से वॉश कर सकते हैं। इस पर लगा स्प्रिंग ब्रश बर्तनों को काफ़ी अच्छे से क्लीन कर देता है और हाथ भी महफूज रहते हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे 298 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ गार्लिक प्रेस। लहसुन छीलना काफ़ी मुश्किल होता है और इसमें काफ़ी वक्त भी लग जाता है, इसलिए लहसुन को जल्दी छीलने के लिए इस गार्लिक प्रेसर को बनाया गया है। इसे सिंपली लहसुन के पीस डाल दें और प्रेस कर दें, जिससे आपको क्रश किया हुआ लहसुन मिल जाएगा और दिए गए बटन को प्रेस करके छिलके को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है पी शेलर हैंडी। तो गाइस, मटर को हाथों से छीलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। इस मशीन की मदद से आप मटर को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली आपने इसमें मटर को डालना है और हैंडल को घुमाते जाना है, जिसके बाद मटर के दाने आगे लगे कंटेनर में आते जाएंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे 350 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है वेजिटेबल फ्रूट बास्केट। हम फ्रूट्स को इजीली वॉश करने के लिए इस गैजेट का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप फ्रूट्स या वेजिटेबल को आसानी से वॉश कर पाएंगे। आप इसे 199 रुपीज़ में बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद है मस्क मेलन स्लाइसर। इसके दोनों साइड पर हैंडल होते हैं। इसकी हेल्प से आप बड़े तरबूज आसानी से काट सकते हैं। सिंपली फ्रूट की ऊपर और नीचे वाली साइड को कट करके इस स्लाइसर को ऊपर रख के प्रेस कर दें और फ्रूट के स्लाइसेस कट हो जाएंगे।
नेक्स्ट है एग कुकर। इसमें आपको एग ट्रे मिलेगी जिसमें आपको अंडों को रख देना होता है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना होता है, जिसके बाद इसके ढक्कन को लगाकर बटन प्रेस कर देना है और इसमें एग बॉयल हो जाएंगे। आप इसे जस्ट 300 रुपीज में बाय कर सकते हैं। उसके बाद है हैंडी जूसर। ये एक नॉन इलेक्ट्रिक हैंडी जूसर है जिसका यूज करके आप 4 से 5 मिनट में किसी भी वेजिटेबल का जूस बना सकते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स का जूस बनाएं सिर्फ 5 मिनट में। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो 349 रुपीज में इसे परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है अनियन होल्डर। आप इसमें अनियन, पोटैटो, हर तरह की चीज को होल्ड करके इजीली काट सकते हैं। आप इसे 299 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है हैंडी मिनी चॉपर। ये एक वेजिटेबल चॉपर मशीन है जिसकी मदद से आप वेजिटेबल को काफी कम वक्त में चॉप कर सकते हैं। इसमें वेजिटेबल को डाल के हैंडल से पुल करना होता है जिससे अंदर के ब्लेड्स रोटेट होके वेजिटेबल को कट कर देते हैं। ये नॉन इलेक्ट्रिक है, आप इसे सिर्फ 99 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। उसके बाद है पॉप लाइट। ये गैजेट पॉपकॉर्न लवर के लिए बेस्ट है। इसकी मदद से आप इजीली पॉपकॉर्न बना सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसमें हॉट एयर की मदद से पॉपकॉर्न बनाए जाते हैं। इसकी प्राइस 1259 है। तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।